बहुत ही आदर सम्मान श्रद्धा के योग्य जिनके माध्यम से ये बहुत ही सुंदर सा कार्यक्रम वेद प्रचार सप्ताह के नाम से इस आर्यनगर गांव में मनाया जा रहा है, जिसका ये पहला दिन है और पूरी टीम ने मिलकर के इस कोरोना के चलते लगभग सभी कार्यक्रम बंद हो चुके हैं, तो अभी ये कार्यक्रम धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं, तो ये पहल कहीं ना कहीं आर्यनगर आर्य समाज ने की है, तो सब धन्यवाद के पात्र हैं।
जिनके कारण आज मैं ये कुछ विचार यहाँ पर हरियाणा से बाहर अलग अलग स्थानों पर रख पाती हूँ, जिनको मैं ये कह सकती हूँ कि सबके जीवन में गुरु का बहुत महत्व होता है, तो मेरे जीवन में गुरु का स्थान किसी का है तो इस पवित्र पावन आर्य समाज आर्य नगर के आर्य समाज की यज्ञ की अग्नि को जिसने बुझने नहीं दिया है अभी तक, ऐसे मेरे और हम सभी के प्रेरणा स्रोत दो छोटे छोटे बच्चे इस पवित्र पावन आर्य समाज के अंदर जाते हैं। श्रद्धे आदरणीय श्री श्री सीताराम आर्य जी, बहुत ही आदर सम्मान श्रद्धा के योग्य अभी इसी आर्य समाज के अंदर कुछ समय से ही रह रहे हैं और अपनी विद्या से अपनी विद्वता से सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं, और मेरे पश्चात बहुत सुंदर उद्बोधन सुनने को मिलेगा। आदरणीय श्रद्धेय पूज्य आचार्य विश्वदेव शास्त्री जी, इस पवित्र पावन आर्य समाज के समस्त पदाधिकारी जन जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सभी का सम्मान करती हूँ और बहुत ही अच्छी संगति मेरे साथ में कर रहे हैं आदरणीय भ्राता जी। और इस पूरे कार्यक्रम को, ये कार्यक्रम केवल यहाँ का ना रह करके यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से इसको हजारों लाखों लोग देखेंगे, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो ऋषि दयानंद की विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित कर रही है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ऋषि दयानंद के मिशन को दिया है, ऐसे मेरे अनन्य साथी आदरणीय मुकेश आर्य जी, यहाँ पर उपस्थित छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, धर्म के अभिलाषी सज्जनों, पूजा एवं वंदना के योग्य मातृशक्ति, आइए एक भजन और आप लोगों के मध्य में उसके पश्चात पूज्य आचार्य जी का बहुत सुंदर उद्बोधन होगा और उसके पश्चात पुनः मैं कुछ विचार आप लोगों के मध्य में रखूंगा। मैंने कवि की लिखी हुई पंक्तियां आप लोगों के मध्य में सुनाई है कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, और उसमें परमपिता परमेश्वर की क्या रचना है, परमपिता परमेश्वर क्या करता है, वो सारा का सारा वर्णन कवि ने लिखा है। ये बहुत पुराना भजन है, आप लोगों ने सुना हो, बहुत पुराना भजन है। आज वर्तमान समय में जितना गड़बड़ झाला, जितनी धांधलेबाजी आज परमात्मा के नाम पर हो रही है, आज भगवान के नाम पर हो रही है, और जितना बड़ा बिजनेस आज भगवान के नाम पर हो रहा है उतना किसी अन्य चीज के नाम पर नहीं हो रहा। हम ये तो मानते हैं कि परमात्मा है, परमात्मा सब कुछ देख रहा है, परमात्मा सब कुछ जानता है, परमात्मा कण कण में व्यापक है, इस बात को भी सब मानते हैं। एक अनपढ़ माताजी भी ये बात कह देती है कि परमात्मा तो हमारे अंदर भी है और परमात्मा तो बाहर भी है, जो पढ़ी लिखी नहीं है वो भी इस बात को मानती है। लेकिन आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, जब हम किसी दुकान पर जाते हैं, किसी मॉल के अंदर जाते हैं, तो वहां पर एक चीज लिखी होती है कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं, तो कोई भी चोरी करने की आप सोचेंगे तो आप उसके अंदर कैद हो जाएंगे, आप पकड़े जाएंगे, कहते हैं ना ये बात। उस छोटे से कैमरे से हम सब सावधान हो जाते हैं जो एक मनुष्य का बनाया हुआ है, जिसमें सब चीजें नहीं आ सकती। एक कमरे के अंदर लगा दिया तो केवल उस कमरे को ही वो कैप्चर करता है, यदि आप बरामदे में लगा दिया तो वो केवल इसी जगह को कैप्चर करेगा, वो पूरे गांव को भी नहीं पकड़ सकता। हम उस छोटे से कैमरे से सावधान हो जाते हैं कि यदि हमने चोरी की तो हम पकड़े जाएंगे, लेकिन कभी हमने ये विचार किया कि जैसे हम उस कैमरे के कारण सावधान हो जाते हैं, कभी हम वैसे सावधान होते हैं कि वो परमात्मा तो कण कण में है, वो तो हर जगह है, चाहे हम कमरे के अंदर बैठ करके कोई काम करें तो भी पकड़े जाएंगे, हम बाहर बैठ करके यदि गलत काम करेंगे तो भी वो देख रहा है, अच्छा कर रहे हैं तो भी देख रहा है, और यहाँ तक कि यदि हमने मन में भी कुछ बुरा सोचा तो भी उसे पता लग गया, और कुछ अच्छा सोचा तो भी उसे पता लग गया। लगता है कि नहीं लगता? लगता है, लेकिन फिर भी हम उसे पागल बनाने में लगे रहते हैं कि नहीं
ही लगे रहते हैं। मुझे एक छोटी सी घटना याद आ रही है। एक बार एक माता जी अपनी रसोई के अंदर दूध गर्म कर रही थी और उसका छोटा सा बच्चा बाहर खेल रहा था। जब वो माता जी दूध गर्म कर रही थी और वो छोटा एक कमरे के अंदर खेल रहा था तो उस बच्चे को भूख लगी। उसने सोचा कि मेरी माँ तो कमरे में है, मैं कमरे में ही पहुंच जाता हूँ। बहुत तेज चल नहीं सकता था, बस चलना ही सीखा था कि पास में कुर्सी पड़ी हुई थी, उस कुर्सी को पकड़ करके वो छोटा सा बच्चा खड़े होने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे कुर्सी को पकड़ा, कुर्सी आगे को खिसक गई और बच्चा नीचे गिर गया। फिर उस बच्चे ने हिम्मत की, पास में एक मेज पड़ी हुई थी, उस मेज को पकड़ करके खड़े होने की कोशिश करने लगा। लेकिन उस मेज के भी नीचे टायर लगे थे, तो जैसे ही हाथ लगाया वो मेज फिर खिसक गई, वो बच्चा फिर गिर गया। बच्चा रोने लगा, लेकिन बच्चे ने फिर हिम्मत की। बच्चे के हाथ में पर्दा आया, वो किस्मत से पर्दा भी ऐसा गला सड़ा था कि जैसे बच्चा पर्दे को पकड़ करके खड़े होने की कोशिश करने लगा, वो पर्दा भी धड़ाम से नीचे गिरा और वो बच्चा भी नीचे गिरा। अब तो बच्चे की जैसे सहन शक्ति की पराकाष्ठा हो गई, वो बच्चा इतनी जोर से रोया कि रसोई में जो उसकी माता जी दूध गर्म कर रही थी, दूध के अंदर बिल्कुल उफान आ चुका था। लेकिन बच्चे की रोने की आवाज को सुनकर के माँ तुरंत दौड़ी आई, बच्चे को गोद में उठा लिया और बच्चे से कहा, बेटे मुझे माफ कर दे, मैं दूध गर्म करने में इतनी व्यस्त हो गई कि मुझे पता नहीं लगा कि तू भी भूखा है, तुझे भी मुझे भोजन देना है। बच्चे को माँ ने सहलाया, बच्चे को दूध गर्म कर दूध पिलाया जो गर्म किया हुआ था। दूसरे दिन बच्चे ने फिर वही क्रिया की, लेकिन पहले दिन तो बच्चे को वास्तविकता में भूख लगी थी, लेकिन दूसरे दिन बच्चे ने नाटक किया, जोर जोर से रोया। माता जी का वही रूटीन था, दूध गर्म कर रही थी, बच्चा और जोर से रोया। लेकिन माता जी जब दूध गर्म हो गया, रसोई से फ्री होकर के बच्चे को गोदी में उठाया, तो बच्चा अपनी माँ से मानो ये कह रहा हो कि माँ तू कितनी निष्ठुर है, मैं कब से रो रहा हूँ, तुझे पता नहीं चला, तुझे मेरी रोने की आवाज सुनाई नहीं दी, क्या तुझे पता नहीं है कि मुझे भूख लगी है। तो माँ अपने बच्चे को कहती है, बेटे मैं तेरी माँ हूँ, जब तुझे वास्तविकता में भूख लगी तो कल मैंने दूध की परवाह नहीं की थी, उबलते दूध को छोड़ करके आई, सारा दूध बिखर गया था, क्योंकि मुझे पता था कि तूने दिल से पुकारा है, तुझे दिल से भूख लगी है। लेकिन आज मैं तेरी माँ हूँ, तुझे भूख नहीं लगी, तुझे तो नाटक किया था, तूने तो नाटक किया था। अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान से सुनना, एक माँ को जो अल्पज्ञ है, सर्वज्ञ नहीं है, अल्पज्ञ है, वो अपने बेटे की इस बात को समझ रही है कि ये असली में रो रहा है या नकली में रो रहा है। अरे वो परमपिता परमेश्वर तो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, वो तो कण कण में व्यापक है, वो तो सब कुछ जानता है, और कितना जानता है। तो ऋषि दयानंद की उस पंक्ति को याद करना, वो कितना जानता है, वो हमारे नाम स्थान और जन्मों तक को जानता है। क्या हम उस परमपिता परमेश्वर को पागल बना सकते हैं? बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो जो हम सोच रहे हैं ना कि जो परमपिता परमेश्वर हमें खिलाता है, हमारी क्या औकात कि हम परमात्मा को खिला दें? जो परमपिता परमेश्वर हमें बनाता है, हमारी क्या औकात कि हम परमात्मा को बना दें? वो परमपिता परमेश्वर हमारी सारी व्यवस्था करता है, हमारी क्या औकात कि हम परमात्मा की व्यवस्था कर दें? नहीं कर सकते। जो इसलिए हम परमात्मा को पागल नहीं बना रहे, हम खुद को पागल बना रहे हैं। तो आओ, परमात्मा को माने तो सही, लेकिन उससे पहले परमात्मा को जाने, पहले उसको जाने और अपने आप को समर्पित करते हुए चले। और कैसे समर्पित करते हुए चले?
तो वेद कहता है कि जैसे एक पत्नी अपने आप को पति को समर्पित कर देती है, वैसे हम खुद को परमात्मा को समर्पित करें। जैसे एक बच्चे को भूख लगती है तो वो अपनी माँ को जैसे पुकारता है, हम उस तरह से परमात्मा को समर्पित करें खुद को, स्वार्थ के लिए नहीं, निस्वार्थ भाव से ऐसे समर्पित करें। फिर देखिए जीवन के अंदर सुख आता है कि नहीं आता, फिर देखिए जीवन के अंदर शांति आती है कि नहीं आती, और फिर हम प्रार्थना करेंगे परमपिता परमेश्वर से। और क्या प्रार्थना? मैं तेरी शरण में आई हूँ हे नाथ, मुझे thank you.
आपका क्या कहना। फिर परमपिता परमेश्वर से भक्त ऐसे प्रार्थना करता है, फिर ऐसे समर्पित हो जाता है। तो आइए इस वेद प्रचार सप्ताह के अंदर हम परमपिता परमेश्वर को जानने का प्रयास करें, निष्पक्ष होकर के इन विचारों को सुने, चिंतन करें, मनन करें। ये दो भजन मैंने आप लोगों के मध्य में रखे हैं। मुझे आचार्य जी का बहुत सुंदर उद्बोधन होगा, उसके पश्चात पुनः मुझे कुछ विचार रखने का मौका मिलेगा। आप बड़े ही धैर्य श्रद्धा से सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।